के गांव में आज उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। विराटनगर के लोहाकड़ा खुर्द में अंतिम विदाई दी जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। आपको बता दें कि शहीद की पार्थिव देह उनके घर जब पहुंची तो गांव में मातम का माहौल पसर गया। और इधर भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन के बीच में भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई भी की। मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिशें लगातार की जाती रही हैं और इसी फायरिंग के बीच राजीव सिंह शेखावत शहीद हो गए थे। अब देखिए कि कुछ देर पहले जब जी मीडिया संवाददाता जानकारी दे रहे थे, उन्होंने कहा कि एक तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद हैं। देखिए तमाम उनकी जो इटालियन के लोग हैं वो उनके साथ में वो जवान भी दिखाई पड़ते हैं। और निश्चित रूप से ये लम्हा भले फख्र का रहता है लेकिन उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है वो परिवार ही जानता है, जिसने अपने लाल को खो दिया, अपने बेटे को खो दिया। और अंतिम संस्कार आज होगा, अंतिम विदाई दी जाएगी। अमित यादव जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर एक बार फिर से मौजूद हैं। अमित, क्या जानकारी, तिरंगा जो रैली आपने बताई निकल रही थी उसकी तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, तमाम लोग जुटे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वीर शहीद अमर रहे के नारे लग रहे थे, क्या जानकारी फिलहाल? बिल्कुल बिल्कुल आशीष, अभी भी ये लगातार नारे लग रहे हैं और करीब 20 से 22 किलोमीटर की जो रैली है ये लगातार अभी तक भी जारी है। इसमें कई हजारों लोग शामिल हो चुके हैं और कई सैकड़ों वाहन है, जो छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग जो सभी है इस रैली में शामिल है। अभी थोड़ी देर में बस कुछ रैली उनके गांव पहुंचने वाली है, वहां पहुंचने के बाद में शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां पे प्रशासन ने पूरी माकूल व्यवस्था कर रखी है, वहां पे जनप्रतिनिधि भी पहुंच चुके हैं और परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये रही है कि रैली तापरा थाने से जो गाँव लुहागड़ा है करीब 25 किलोमीटर का की दूरी है और 25 किलोमीटर दूर में सभी लोग पैदल आ रहे हैं और शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उभ रहा है। जी अमित, निश्चित रूप से तमाम लोग पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोग जुटे हैं, आसपास के क्षेत्र से भी लोग आ गए होंगे। ऐसे मौके पर लोग पहुंचते भी हैं कि कम से कम जिसने अपने देश के लिए जान दी उसको अंतिम रूप से कम देख लें, ये अपने आप में बड़ा अहम वक्त होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप लगातार नज़र बनाए रखिए, और भी जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुँच